मेरुत की 24 वर्षीय महिला ने यमुना एक्सप्रेसवे पर सामूहिक दुष्कर्म किया, दो लोग गिरफ्तार। पिछले हफ्ते यमुना एक्सप्रेसवे पर 24 वर्षीय एक महिला को कथित रूप से बलात्कार करने के दो पुरुषों को गिरफ्तार किया गया था। जब वे काम से घर लौट रहे थे, उत्तरजीवी मेरठ का हिस्सा है और ग्रेटर नोएडा में चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ काम करता है। महिला के अनुसार यह घटना तब हुई जब एक आरोपी सलमान मलिक 28 ने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने की पेशकश की। मलिक महिला के लिए जाना जाता था। रिपोर्ट बताती है कि मलिक ने पिछली बार भी महिला को घर छोड़ दिया था और इसलिए वह उससे लिफ्ट लेने से संकोच नहीं करते थे। बाद में रास्ते में मलिक ने दूसरे आरोपी साजिद 26 को उठाया और वे एक्सप्रेसवे की तरफ चले गए, जहां उन्होंने उन्हें बलात्कार किया। आरोपी ने महिला को बलात्कार करने के लिए ले लिया और फिर उसे गति देने से पहले उसे मथुरा में फेंक दिया। महिला तुरंत पुलिस तक पहुंच गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। महिला ने आरोप लगाया कि पुरुषों ने खिड़की के किनारों को काले कपड़े से ढक दिया था और संगीत को उच्च मात्रा में खेला था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी चीखें अनसुनी थीं। महिला की मेडिकल रिपोर्टों में बलात्कार की पुष्टि हुई है। उपनिरीक्षक शिव प्रताप सिंह ने समाचार 18.com के हवाले से उद्धृत किया। महिला के शरीर पर चोट का निशान थे और उसका चेहरा सूज गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक दोनों आरोपी आरोपों से इनकार करते हैं। पुलिस के अनुसार मलिक एक स्क्रैप डीलर और ग्रेटर नोएडा में दादरी के निवासी हैं। उसने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वह एक शादी के लिए महिला के साथ आगरा गई थी। पुलिस अधीक्षक एसपी मथुरा श्रावण कुमार सिंह को यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि मामले में दोनों आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376D सामूहिक बलात्कार के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है।